निसान मैग्नाइट ब्रेकिंग एट 90। देखना अभी यहाँ पे नहीं आएगा स्टीयरिंग। ये देखिए आज आपके सामने जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, चलो लोगों से आप पहचान गए, दिस इज निसान मैग्नाइट, लुक से पहचान गए दिस इज मैग्नाइट। अब ये मैग्नाइट का XV वेरिएंट है टर्बो CVT के अंदर। ये गाड़ी की चाबी ऐसी आती है जिसमें लॉक अनलॉक का फीचर आता है। अब चलो आज थोड़ा सा नॉइज प्रॉब्लम रहेगी, काइंडली इग्नोर। अब गाड़ी के फ्रंट में मैं आपको बता देता हूँ सारा इसका ड्राइविंग रिव्यू से रिलेटेड, इंटीरियर एक्सटीरियर सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे मैंने बताया था कि टर्बो CVT, उसके अंदर इंजन स्पेसिफिकेशंस देखो ऐसी हैं, 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के अंदर आता है, जो कि आपको निकाल के देगा 99 BHP, 154 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, फोग लैंप इसमें आती नहीं है, जगह आती है तो वो आपको मिल जाएगी, लगवाने हो तो लगवा सकते हो। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, 4-स्टार रेटेड है। फ्रेमवर्क देख के भी आप पता लगा सकते हो कि गाड़ी की बिल्ड के लिए काफी अच्छा जो है इंतजाम यहाँ पे कंपनी ने करा, स्ट्रक्चर को इसी हिसाब से डिजाइन किया है। ऐसे कुछ इंजन भी है गाड़ी की, काफी कॉम्पैक्ट है, मतलब स्पेस यहाँ पे आपको स्विफ्ट वगैरह इतना खाली नहीं है क्योंकि बिल्ड अच्छी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें, विंडशील्ड वॉशर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा, वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको हेलोजन दो आपको हेडलैम्प मिलेंगे, इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे DRL हो गए, निसान मैग्नाइट का लोगो है, और गाड़ी के जो टायर हैं C8 के इसके अंदर आते हैं 195/60 R16 जो टायर प्रोफाइल इसकी आती है। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का बहुत ही अच्छा है, 205 mm का इस गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा, और ऐसी साइड प्रोफाइल है। तो लुक्स में तो देखो गाड़ी ठीक है, अब दिक्कत कहाँ है वो है चलाने में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रखना। मिरर के अंदर ही आपको टर्न इंडिकेटर आ गए, क्रोम के डोर हैंडल आ गए। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है गाड़ी की 40 लीटर्स है, और ये गाड़ी की रियर प्रोफाइल है। 4 पार्किंग सेंसर हो गए गाड़ी में, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गए, 1 उधर हो गया, नंबर प्लेट हो गई, मैग्नाइट की जो बैजिंग है टर्बो CVT। बूट जो है 336 लीटर्स है, और इसके अंदर आपको एक डोनट व्हील मिलता है, यहाँ पे एक लाइट हो गई, एक यहाँ पे हुक हो गया, 60-40 का जो है यहाँ पे स्प्लिट रेशियो आता है, एक पार्सल ट्रे आती है, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। वाइपर हो गए, डिफोगर हो गए, और ये आपको शार्क फिन एंटीना आ जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, 4-स्टार रेटेड है। फ्रेमवर्क देख के भी आप पता लगा सकते हो कि गाड़ी की बिल्ड के लिए काफी अच्छा जो है इंतजाम यहाँ पे कंपनी ने करा, स्ट्रक्चर को इसी हिसाब से डिजाइन किया है। ऐसे कुछ इंजन भी है गाड़ी की, काफी कॉम्पैक्ट है, मतलब स्पेस यहाँ पे आपको स्विफ्ट वगैरह इतना खाली नहीं है क्योंकि बिल्ड अच्छी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें, विंडशील्ड वॉशर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा, वो यहाँ पे है। चलो अब इंटीरियर की बात करते हैं, तो बेसिक सी चीजें बताऊंगा डिटेल में नहीं। ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, सीट हाइट एडजस्टमेंट का भी यहाँ पे फीचर आता है, सीट्स की विड्थ काफी है तो कम्फर्टेबल मेरे ख्याल से थोड़ी सी जरूर रहेंगी। CVT है, सोनो क्लच, और ये आपका स्टेयरिंग व्हील, माउंटेड कंट्रोल, टिल्ट एडजस्टमेंट के अंदर ये स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी MID हो गई, इसको मैं बंद करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पुश बटन का फीचर यहाँ से आता है, और फुल्ली डिजिटल जो आपको MID मिलेगी, बीच में आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर दोनों एक साथ हैं। ये आपका जो है टेम्परेचर गेज, उधर फ्यूल इंडिकेटर, एक टच स्क्रीन है यहाँ पे, आई थिंक 7 इंचेस, अगर करेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे करेक्ट इसके मेजरमेंट डाल दूंगा। AC के कंट्रोल्स हो गए, सारे मैनुअल है, रोटरी डायलर है, ये सब चीज़ें अच्छी है इसके बारे में। फोन यहाँ पे रखिए, ये वायरलेस वाला इस वेरिएंट में तो नहीं है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, उसके नीचे Type A का एक पोर्ट है, यहाँ पे अगेन एक थोड़ा सा स्पेस है। प्रिंटल वाला आपका CVT गियरबॉक्स, हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर हो गए, पीछे अगेन एक छोटा सा स्पेस है, ये ग्लव बॉक्स हो गया। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का भी फीचर इस गाड़ी में मिलता है। ऐसे कुछ MID है, 2 ही एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं, तो टेंशन मत लेना कि पन्नी लगी हुई थी भैया हटा दो, इस वेरिएंट में 2 ही मिलते हैं। अब पीछे का स्पेस भी देख लो, सीट्स कंफर्टेबल है, देखो स्पेस में आपको इस गाड़ी में कमी नहीं फील होने वाली है। सीट्स का थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है, और ये आपको यहाँ पे भी आर्मरेस्ट मिलता है, 60-40 का स्प्लिट रेशियो है, मैंने आपको बताया था। 2 कप होल्डर है, फोन रखो यहाँ पे, और एक छोटा सा ग्लास है वहाँ पे सी पिलर में, यहाँ पे भी एक लाइट है, वहाँ भी लाइट है, ये इतना स्पेस मिल जाता है अगर मैं सीट को अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, ये सारी चीजें ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो आप ये जो कम्फर्ट वाली जो भी चीजें हैं, शोरूम विजिट करिए, गाड़ी में बैठ के देखिए आपके हिसाब से वो है कि नहीं है। एक छोटी सी कमी जो मुझे अभी तक इस गाड़ी में लगी है, देखो ये डेड पेडल हो गया आपका, अगर मैं एक्सेलेटर पर, जैसे ये वाला मेरा जो जूता है थोड़ा सा पंजाइस का हैवी है, तो मैं जैसे ब्रेक से एक्सेलेटर पर स्विच करता हूँ तो मेरा पैर यहाँ पे टकरा रही है, जो इतने पैर के निशान है ना इसी वजह से है। अचानक यहाँ से आऊंगा
तो मेरा ब्रेक ही दबने के चांसेस है, हालांकि जूते के साइज के चौड़ाई पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही नजदीक है पैडल के, तो टकरा सकता है जूता। ठीक है, तो ये छोटी सी दिक्कत मुझे लगी, हो सकता है ड्राइवर को ना लगे, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़े टाइम में। एक और ये है कि चलो मैंने हैंड ब्रेक डाउन कर दिया, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कोई नया ड्राइवर हूँ, मुझे अभी एडजस्टमेंट मुझे नहीं पता है कौन से गियर में है, तो मेरे को ना साइड में झुक के देखना पड़ता है कौन से गियर में है। मान लो मैं ऐसे स्विच कर रहा हूँ तो मेरे को साइड में झुक के देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर हैंड ब्रेक आ रहा है, तो मेरे को ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ड्राइवर जब देखेगा तो ऐसे दिखेगा, और मेरे को अब इसके नहीं दिख रहे हैं कि अभी मैं डी में शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं कौन से उसमें शिफ्ट कर रहा हूँ, कि न्यूट्रल है रिवर्स है। अभी जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है और यहाँ पे आप मीटर में देखना, अभी मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ, तो यहाँ मीटर में तो पता लग जाता है, लेकिन अगर मान लो मेरे को वहां नहीं देखना तो मेरे को ये थोड़ा झुक के देखना पड़ेगा या हैंड ब्रेक लगा के देखना पड़ेगा। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, मैं कोई कमी नहीं बता रहा हूँ, टाइम के साथ चीजें ड्राइवर एडजस्ट कर ही लेता है इनके साथ। ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है, ये जो अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है, तो मतलब ये स्टेयरिंग के साथ नहीं घूमेंगी, और अभी लगाते हैं डी में, इसमें लो का भी मोड आता है वैसे। चलिए जी, ये थोड़ा सा स्टेयरिंग मिस की आवाज है, अगर आ रही हो फील, ठीक है, थोड़ी सी ये है, और गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है, खाली 145 किलोमीटर चली है। एक छोटी सी दिक्कत और है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है कि ब्रेक पैडल से पैर हटाते हो गाड़ी मूव करना शुरू करती है, तो इसके ब्रेक पैड जब वो थोड़ी सी देर के लिए चिपक के रहते हैं ना, वहां पे बहुत आवाज करते हैं, ये वाली आवाज, और ये जैसे थोड़ा सा स्लोप पे रहेगी ना गाड़ी तो फिर काफी आती है, ये मैं एक छोटी सी क्लिप डालने की कोशिश करूंगा, बहुत आवाज करते हैं ये देखो, अगर धीरे धीरे कोई छोड़ रहा है ना तो ये आवाज है इसमें गाड़ी के अंदर, ये ना बहुत ज्यादा आवाज इस गाड़ी में ही है, पहले मुझे लगा सर्दियों में आती होगी खाली। अभी चलो यहां से, खाली स्टीयरिंग में आवाज है और ब्रेक में, बाकी तो टर्बो है, तो टर्बो वाली आपको फील पूरी देती है गाड़ी। स्टीयरिंग रोटेशन वैसे अच्छी है, बस मेरा जूता टकरा रहा है साइड में। देखो इंटीरियर स्पेसियस है गाड़ी का, अब मैंने सीट हाइट अपने हिसाब से थोड़ी नीचे कर ली है, तो मेरे को बहुत ही खुला खुला लग रहा है, इंटीरियर स्पेसियस हो गया, विंडशील्ड काफी चौड़ी है, तो विजिबिलिटी इश्यूज आपको नहीं आते हैं, खाली वाइपर दिखेंगे और बोनेट नहीं दिखता है, कमी नहीं है, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन की इस गाड़ी में बोनेट नहीं दिखेगा। एनवीएच ऐसे है कि रोड नॉइज तो मेरे को अभी तक तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं आ रही है, कोई 40-42 की स्पीड तक मैंने चलाई होगी गाड़ी, तो यहाँ तक तो मेरे को कोई भी नॉइज नहीं आ रही है गाड़ी की, और रोटेशन सही है। एकदम जब पूरा घूम जाता है ना स्टेयरिंग, उसके बाद अचानक वापस आना वो थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत घुमाओगे, रोटेशन कंप्लीट नहीं दोगे तो सही घूमता है। सीट्स मुझे काफी सही लगे गाड़ी के, थाई सपोर्ट तो बहुत ही बढ़िया भाई, बैक सपोर्ट, तो ये वाला कंफर्ट तो आपको मिलता है, और ब्रेक्स देखो एक्सट्रीम तक तो मैं नहीं मार पाऊंगा कि 100 की स्पीड पे जो मैं रेगुलरली करता हूँ, लेकिन हाँ ऐसा है कि अच्छे हैं ब्रेक, मैंने जितने देखे हैं, ज्यादा खींच के तो नहीं मार पाया कि, और अब अपना ज्यादा वो है नहीं, अगर इस गाड़ी में टर्बो ना हो ना तो दिक्कत हो जाती थोड़ी, बट अभी टर्बो है तो कहीं भी रोक देते हैं यार। निसान मैग्नाइट ब्रेकिंग एट 90, इतनी खास नहीं लगी क्योंकि एक तो पीछे से थोड़ा घूम गई गाड़ी, हल्का सा, ज्यादा नहीं है, बट एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ना तो एबीएस की आवाज़ नहीं आती, लेकिन रुकने में भी थोड़ा सा टाइम लेती है, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी ज़्यादा स्पेस मिला, आओ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अच्छे से देख के पीछे तभी ब्रेक्स मारे हैं, तो ऐसे मत सोचना मैंने अंधाधुंध एक मान लो बिजी रोड पे लगा दिए ब्रेक, अच्छे से मैंने देख के तभी लगाए हैं। चलो यहाँ देखेंगे अच्छे से पीछे देख के, निसान मैग्नाइट ब्रेकिंग एट 90, अच्छे नहीं है भाई ब्रेक, मतलब
वो जब एकदम रोड से चिपक के घिसट जाती है ना गाड़ी, वो फील नहीं है बस ना, तो टायर्स की ग्रिप मुझे कुछ खास लगी क्योंकि हल्की सी पीछे से घूम जाती है गाड़ी, बस ये कि ये छोटी सी दिक्कत लगी है। देखो मुझे जहां मौका मिलता है मैं ब्रेक लगा देता हूँ। अब आपको लग रहा होगा बिजी रोड पे ब्रेक मार दिए पीछे से कोई आ सकता है, भाई एक सेकंड में पीछे देख लेता हूँ कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है और फिर तभी मैं मारता हूँ। मेरी साइड से, मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं हूँ कि कहीं भी ब्रेक लगा दिए और पीछे से कोई आ रहा, अपना नुकसान थोड़ी कराऊंगा या किसी और की गाड़ी का। सस्पेंशन यार अभी तक तो ठीक लगे, थोड़ा कुदा के देखनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। ठीक है मुझे तो ठीक लगे। मैंने एक चीज और देखी है, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं हाई स्पीड पे जब थोड़ा सा भी इसके अंदर कट मारता हूं ना तो उतना स्टेबल नहीं है, हल्का सा मेरे को कमी फील होती है, आउट ऑफ बैलेंस होती है गाड़ी। एक ये मैंने हाईवे पे भी अभी नेशनल हाईवे 48 पे फील करी थी ये चीज, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार और श्योर हो जाता हूँ कि कैसा वाकई में है। तो अभी ये दूसरी बार हुआ है जब मैं हल्का सा भी अगर ब्रेक मार के भी अगर कट मारता हूँ तो मेरा ऐसा लगता है कि नहीं, कंट्रोल से बाहर तो नहीं कह सकता लेकिन उतना स्टेबल नहीं है कि जम के एकदम चिपक के कट मार रही है, तो वो चीज थोड़ी सी मिसिंग है यहाँ पे। अब विंड नॉइज है गाड़ी में, और देखो अब जैसे मैं थोड़े बहुत भी कट मार रहा हूँ ना तो इसकी बॉडी शेल ना मेरे को इतनी स्टेबल नहीं लगती, इसकी जो स्ट्रक्चर है इतनी स्टेबल मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस गाड़ी में, तो मैं ज्यादा नहीं मारता फिर भाई ब्रेक इसके। तो तीन ही चीजें मुझे इसमें लगी, एक तो ब्रेक वाली दिक्कत, स्टेबिलिटी वाली, और स्टीयरिंग में हल्की सी नॉइज है। वो परेशान आपको फील नहीं होगी वैसे, ज्यादा मान लो म्यूजिक वगैरह चला लोगे तो यू आर नॉट गोना फील इट, बट इट्स देयर। तो देखो कंक्लूड कर देता हूँ मैं अपने इस छोटे से ड्राइविंग इंप्रेशन रिव्यू को। बहुत ही पावर एंथुजियास्ट हो तो पावर डिलीवरी तो मिल जाएगी, मेरे को जो कंफर्ट चाहिए स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ब्रेकिंग से रिलेटेड, वो थोड़ा सा मिसिंग है एलिमेंट, खासकर मेरे लिए मिसिंग है। आपकी अगर रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि मेरे को तो कट नहीं मारने, मेरे को खींच के ब्रेक्स नहीं लगाने, मेरे को नीड नहीं पड़ती है, मैं तो धीरे चलाता हूँ, देन यू कैन गो फॉर दिस कार। ऑन रोड लगभग पड़ती है 11.90 लाख, लगभग 12 लाख ऑन रोड ये आपको पड़ जाती है हरियाणा की अगर मैं बात करूं। देखना अभी यहाँ पे नहीं आएगा स्टीयरिंग, ये देख ये दिक्कत है बस थोड़ा घुमाओगे ना तो आ जाता है बड़ा अच्छा सा, इसमें नहीं आता, तो ये मटर गस्ती इस गाड़ी के साथ ना करें। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मेरा ड्राइविंग इंप्रेशन सही है, टेस्ट ड्राइव इंप्रेशन बोल सकते हैं, प्रॉपर रिव्यू तो मैं नहीं कंसिडर करता खुद इसको, क्योंकि प्रॉपर ड्राइविंग रिव्यू के लिए गाड़ी बहुत टाइम के लिए, एटलीस्ट एक दो दिन तीन दिन के लिए तो गाड़ी चाहिए जिसको आप हर कंडीशन में चलाते हो। तो जस्ट मेरे टेस्ट ड्राइव इंप्रेशन है कि शुरुआत में अगर कोई 15 मिनट के लिए गाड़ी को चलाता है तो कैसा लगेगा, तो वो जैसा मुझे लगा मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। हो सकता है कि कुछ मैंने आपके अकॉर्डिंग ना बताया हो, कुछ आपको ना पता हो वो मैंने बता दिया हो। आप अपने कमेंट्स मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसे लगी, अगर कोई ऑन करता है तो क्या जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सही थी या गलत थी। प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो